गाजियाबाद लिंक रोड इलाके में चेन लूटकर भाग रहे बाइक सवार एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश महिला का मंगलसूत्र लूटकर भाग रहा था। इसी दौरान सूचना के बाद पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में भी बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश को गाजियाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस इस समय फुल फॉर्म में है। चोरी स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक चैन, मंगलसूत्र सहित कई अन्य जेवरात बरामद किए हैं। साथ ही लूट की सूचना पर पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग करने के बाद बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया जा रहा है कि घायल बदमाश शातिर किस्म का चैन स्नेचर है जिस पर दर्जनों मुकदमे दिल्ली NCR में दर्ज है। वहीं अब पुलिस बदमाश की क्राइम ब्रांच की कुंडली खंगालने में जुटी है। सर, एक बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, काफी बड़ा ये स्नेचर बताया जा रहा है, लंबे समय से फरार था, पूरा मामला सर जानना चाहेंगे। थाना लिंक रोड क्षेत्र में एक होटल है, वहाँ काफ़ी शादियाँ थीं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे चेन स्नेचिंग की सूचना प्राप्त हुई थाने को। फिर वहाँ चेकिंग लगाई गई और उसके बाद चेकिंग के दौरान काफ़ी निगाह रखी जा रही थी पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पे एक दोबारा अटेम्प्ट हुआ एक बदमाश के द्वारा चेन स्नेचिंग का, तो दोनों के बीच, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने फायर किया, उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया तो बदमाश को गोली लगी है, वो इंजर्ड हुआ है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अभी तक जो जानकारी हुई है उसके अनुसार इसने सैकड़ों वारदातें की हैं NCR क्षेत्र में, और ये अकेले ही घटनाओं को अंजाम देता था फर्जी नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पे लगा के। और इसके पास से अभी फ़िलहाल जो बरामदगी हुई है वो एक मंगलसूत्र, एक चेन और एक तमंचा, कुछ कारतूस और बाइक जिसका ये इस्तेमाल करता था, ये सब बरामदगी हुई है। बाकी पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है, और जो जानकारी मिली है तो ये काफ़ी शातिर किस्म का था और अकेले ही वारदात किया करता था स्कार्फ और हेलमेट लगा के, तो काफ़ी शिद्दत से इसकी तलाश की जा रही थी और ये पकड़ा नहीं जा सका था अब तक। जी, थोड़ा सा नाम के साथ जानना चाहेंगे इस बदमाश के कि कहाँ का रहने वाला है, और दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि इसने वारदात की है। ये किशन लाल भूटानी इसका नाम है और ये करीब 32 साल के आसपास इसकी उम्र है, ये शाहदरा दिल्ली का रहने वाला है और इसने दिल्ली और NCR के अन्य क्षेत्रों में भी घटनाएं कबूल की हैं।